हेलो दोस्तों, तो बिग बॉस के घर में रजत दलाल की एक बार फिर से एक फाइट हो चुकी है और इस बार फाइट हुई है अविनाश मिश्रा के साथ। अब ये फाइट क्यों हुई है और क्या है पूरा मैटर, चलिए आप लोगों को बताते हैं। दरअसल अविनाश मिश्रा बग्गा साहब के साथ कुछ बातें कर रहे थे, कान में खुसर फुसर कर रहे थे। इसको लेकर रजत दलाल ने कहा कि भाई आप लोग इस तरह से कान में खुसर फुसर नहीं कर सकते हो। तो वहां पर अविनाश ने कहा भाई मेरी मर्जी है, मैं कैसे भी बात करूं। अब इसको लेकर के रजत दलाल और अविनाश मिश्रा के बीच में बहसबाजी होने लग गई। तब वहां पर अविनाश मिश्रा ये कहते हैं कि भाई मेरी मर्जी, मुझे जैसे बात करनी होगी मैं वैसे करूंगा। जिस पर ये रिप्लाई करते हैं कि ठीक है भाई, तेरी मर्जी है तो मेरी भी मर्जी है और वक्त आने पर देख क्या क्या करता हूँ। तब वहाँ पर अविनाश मिश्रा कहते हैं कि क्या करेगा भाई, चल कर क्या करेगा। तब रजत दलाल कहते हैं कि अभी नहीं, मैं वक्त आने पर ही करूँगा और इस घर से बाहर जाने के पहले मैं तुझे तमीज से बात करना सिखाऊंगा और सिखा कर जाऊंगा। अब इसके बाद फिर इनके बीच आपसी बहसबाजी हो जाती है जो आगे दिखाया नहीं गया है और वो आप लोगों को आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा कि इन दोनों के बीच में क्या बहसबाजी हुई है। बाकी बिग बॉस के घर में रजत दलाल के काफी लड़ाई झगड़े होने शुरू हो चुके हैं और काफी लोग सोशल मीडिया पर ऐसा कह रहे हैं कि रजत दलाल गुस्से में आकर किसी को भी मार पीट ना दे, बिग बॉस वाले इन्हें बाहर ना निकाल दे। फिलहाल दोस्तों, इस सीजन आप लोग किसे सपोर्ट कर रहे हैं, इस बारे में अपनी राय हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।